अपडेट करने का टाइम हो चुका है। ब्लॉग अपडेट नंबर 2 है और फाइनली हम लोग का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। रास्ते में पिट्टू वाले मिल रहे हैं अभी, तो होप आगे घोड़े वाले भी मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, सभी लोग बाबा के दरबार पर जा रहे हैं। बाजू में नदी है, खाने पाने का मेरे को इंतज़ाम दिख रहा है, सब कुछ सही है। अभी ट्रैक की शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जय भोलेनाथ। अपडेट का टाइम हो चुका है, ब्लॉग अपडेट नंबर 3 है। ये लोकेशन है भीमबली और अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। काफ़ी थक चुके हैं, 7 किलोमीटर का कवर हो चुका है रास्ता, बाकी बचा अभी भी 11 किलोमीटर है। और अभी जो हम लोगों ने मैगी का ऑर्डर दिया है, हमारे घोड़े वाले जो हैं वो लोग भी मैगी का ऑर्डर दिए हैं, उनके लिए भी सबको मैगी खिलाई जा रही है। मौसम का हाल, मौसम अभी ठीक है, कोई ज़्यादा ठंड की बात नहीं है। सामने से पहाड़ दिख रहे हैं, झरने हैं। जो लोग इसके बाद आए मेरे बाद, उन लोगों के लिए विशेष सूचना कि प्लीज़ मास्क ज़रूर लेके आएँ। हवा में बहुत ज़्यादा घोड़ों की गंध रहती है, लोगों को छींक एलर्जी बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए अपना मास्क वगैरह अपनी सेफ्टी के हिसाब से लेके आएँ। और रास्ते में खाने पाने का इंतज़ाम बहुत है, पानी का भी इंतज़ाम है, आप लोग पी सकते हो जगह जगह जगह। और आपको नेचर के साथ बिल्कुल भरपूर आनंद देखने को मिलेगा। और इसके वीडियो के बीच बीच में मैंने डाल रखा है नेचर के बारे में, तो आप लोग उसका भी आनंद लेते रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहिए, केदारनाथ का रास्ता यूँ ही पूरा हो जाएगा। चलो अब मिलते हैं अगले अपडेट में। ये मेरा ट्रैकिंग ब्लॉग का सेकंड अपडेट है और इसमें मैं आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं केदारनाथ आया था, ये सोचिए कि बर्फ़ मिलेगी, तो बर्फ़ तो मिली नहीं, इवन पानी मिल गया, ठंड मिल गई तो बर्फ़ नहीं मिली। पर फाइनली भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, उन्होंने बर्फ़ तो नहीं दिखाई पर बर्फ़ की शीट्स ज़रूर दिखा दिए, वो भी बाहुबली वाले झरने के साथ। देखिए आप, गाइस जो आपने नीचे देखा ये वाइट शीट नहीं बर्फ़ की चादर है, और जो ऊपर से आ रहा है वो पानी है, और इस चादर के नीचे जो पानी बह रहा है वो बर्फ़ से पिघला हुआ पानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, एकदम ठंडा है, चिल्ड वाला, जो सुपर चिल्ड बोलते हैं ना जिसको, जो लोग उसमें यूज़ करते हैं वो वाला। तो ये बर्फ़ आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसी होती है बर्फ़ की चादरें। स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, फाइनली ब्लॉग अपडेट करने का टाइम हो गया है और ये हमारा 4th अपडेट रहेगा। समय हो रहा है रात की 9,
और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो चुका है काफ़ी डाउन, होपफुली 7 डिग्री के आसपास चल रहा है और नीचे गिरने के आसार हैं। अच्छी बात यह है कि केदारनाथ के टॉप में अभी बर्फ़ नहीं गिर रही है, ना ही 9-10 दिन से बारिश हुई है, तो कोई भींगने वगैरह के चांसेस नहीं है। हम लोग सुबह निकले थे और ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स में हम लोगों ने जर्नी कंप्लीट करी, नीचे से ऊपर आ गए और बहुत ही टायरिंग जर्नी थी, बहुत रास्ता सकरा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो। हेलो गाइस, तो फाइनली ब्लॉग अपडेट करने का टाइम हो चुका है। ये ब्लॉग अपडेट नंबर 5 है और टाइम हो रहा है सुबह के 8। लोकेशन है केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर। कल रात में हमारी चढ़ाई हो चुकी थी, रात में हम लोग 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम लोगों ने कैंप वगैरह लिया था, रात का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था, चिल्ड खाना वाना खा के आराम करने सोए हैं। रात कैसे गुजारी हम ही जानते हैं। तो अगर आप लोग आएँ तो आप लोगों से निवेदन है कि सुबह सुबह ही अपना टूर ऐसा प्लान करें कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, हो सके तो हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले जाएं, क्योंकि रात यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, अनबियरेबल होती है, बहुत कम लोग सहन कर पाएंगे। बाकी मॉर्निंग यहाँ पे अभी सही है, दिन हमारे लिए अच्छा है, सूरज निकल रख चुका है, आसपास के पहाड़ भी दिख रहे हैं, सामने बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, हवा का दबाव कम लग रहा है थोड़ा, ऑक्सीजन भी मात्रा कम है, जो भी आ रहा है उसके चेहरा फूला हुआ है, इवन मेरी हालत भी टाइट लग रही है। बाकी अब बस मंदिर पहुंच गए, आपको अपडेट करूंगा और दर्शन का एक ब्लॉग बनाऊंगा। चलो जय बाबा केदारनाथ। Thank you.